वेंडिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी सूरसदन में एक कैफेटेरिया को लेकर और सूरसदन की बड़ी दरों में कमी को लेकर संस्था के एक प्रतिनिधिमंडल आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजन पेंसिया से मिला। आपको बता दें, इस दौरान उन्हें ज्ञापन दिया गया। आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मिला वेडिंग और इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन का। तो सूरसदन में जो एक नहायती ज़रूरत बात है एक कैफेटेरिया को लेके, जहां साहित्य प्रेमी कला प्रेमी मिलें और उनके विचारों का आदान प्रदान हो। जैसे पहले कलाकार होते थे उनके अड्डे हुआ करते थे, जैसे पृथ्वी थिएटर में एक कैफेटेरिया है, NSG में जाएंगे, श्रीराम सेंटर में जाएंगे, मतलब देश के किसी भी कोने में बड़े जगह जहाँ ऐसे ऑडिटोरियम या ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं जहाँ कला का उत्थान के लिए काम होता है, तो हर ऐसी जगह कुछ ऐसे कैफेटेरिया, कुछ ऐसी क्रिएटिव जगह बनाई जाती हैं जहाँ आर्टिस्ट आए, बैठे, बातें करें और वहाँ से नए नए कलाकारों का भी जन्म होता है। तो ये जो हमने निर्णय लिया है, ये जो नया स्टेप लिया है, जो रिक्वेस्ट करी है, तो वो जो रिक्वेस्ट है ये सारे जो एसोसिएशन के इवेंट मैनेजर्स हैं, जितने भी नामी जितने भी लोग हैं जो बैक स्टेज भी काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि एक तो रेट भी, जो हमने दो जो रिक्वेस्ट करी हैं, रेट और कैफेटेरिया का, तो कैफेटेरिया से बहुत ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बेनिफिट्स होंगे। कि थका है कोई या फिर किसी ने आगे जाना है तो चाय पी ले यहाँ पे, कुछ कर ले, बैठे आराम से, थोड़ा टाइम जहाँ देना है आराम से अपना बैठे काम करे, वहाँ से पीछे से भी काम हो, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। अब इस विषय में यही है कि जो ज्ञापन दिया है वो बहुत विचारणीय विषय है और इस पे मेरे ख्याल से मंथन करना चाहिए, और क्योंकि एक ऐसा मानदेय रखा जाए सूरसदन का जिसमें कि सभी लोग आसानी से अपना कार्यक्रम कर सके। तमाम सारी संस्थाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे भी संस्थाएं जो अपना प्रोग्राम वहाँ करना चाहती, लेकिन इतना पैसा बढ़ा दिया गया है कि जिसमें उनके लिए अब मुश्किल है कि वहाँ पर वो काम कर पाएँ।